बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और उतना ही हंगामेदार नजर आ रहा है। देखिए विपक्ष के जो तमाम लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो खासकर माले के विधायक हैं वो अपने तमाम बातों को लेकर विधानसभा पहुंचे हैं और देखिए वक्त संशोधन विधेयक 2024 को बदलने की बात जो है वो की जा रही है। ये देख सकते हैं कि विधानसभा में जो भीड़ है वो नजर आ रही है, तमाम विधायक जो है यहाँ पर पहुंचे हुए। सर किन मुद्दों को लेकर वक्त संशोधन बिल 2024 इसको केंद्र वापस ले, बिहार विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार सरकार संज्ञान ले और विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा जाए कि देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को छेड़खानी करना, उसको नष्ट करना, संविधान पे हमला करना ये नहीं चलेगा। वक्त की संपत्तियां जो थी उसकी देखरेख अभी तक वक्त की बोर्ड करती थी तो वक्त की बोर्ड करेगी, नया कमिटी बना करके वक्त को पावरहीन करके बिना पावर का बना करके सरकार क्या करना चाहती है। असल में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी संपत्ति को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जो सामाजिक और धार्मिक संपत्ति है सरकार उसके ऊपर विवाद पैदा करना चाहती है, यही इनका पूरा प्लान है। वक्फ बोर्ड के संशोधन की बात कर रहे हैं, ललन सिंह कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं काली काम करने के लिए। ललन सिंह केवल नाम के लिए जदयू में है, पूरी तरीके से वो भाजपा के स्लीपर सेल के बतौर जदयू में काम कर रहे हैं और भाजपा ने उनको यही टास्क दिया है कि जदयू में रहो और समाज में मुसलमानों को टारगेट करो, उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहो और हिंदू मुसलमानों का तनाव करने का जो राजनीति भाजपा का है उसी को आगे बढ़ाओ। ललन जी वही कर रहे हैं। सदन के बाहर भी हंगामा है कि अंदर भी हंगामा होगा? अंदर हंगामा होगा। कल हम लोग इसको लेकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं और कल इस मुद्दे को लेकर के जबरदस्त हंगामा होगा। जबरदस्त हंगामा जो है वो विपक्ष के द्वारा किया जाएगा, वक्फ संशोधन विधेयक को बदलने की बात है और साफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पर अमेंडमेंट लाए और केंद्र सरकार को भेजे कि जो वक्फ की संपत्ति है वो उस पर मुसलमानों का ही हक होना चाहिए और वही इन तमाम चीज़ों को देखें। देखिए साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो है वो बीजेपी के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं, जेडीयू में रह के बीजेपी का काम करते हुए नजर आ रहे हैं ललन सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।